चलते अपने दर्शकों को लोकसभा जहां पर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। सुना नहीं फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है। $35 सॉरी भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। मैं जनता से सुनता हूं, उनकी बात समझने की कोशिश करता हूं, फिर इस हाउस में बोलता हूं। $130 का दाम था, आज $35 हो गया, मगर उस पैसे का ₹1 जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को मिला नहीं मिला, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, मगर उनका जो कष्ट है, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनको कम नहीं किया जा रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार कम, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो, जहां देखो इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए, कितने रोजगार दिए। भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, सिंधिया जी से मैंने पूछा, कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले एक साल में? किसी को नहीं मालूम आंकड़ा, किसी को नहीं मालूम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपका भाषण होगा, हिंदुस्तान को बता देना कि पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा मनरेगा महात्मा गांधी योजना, सावरकर योजना नहीं, महात्मा गांधी योजना। उनकी अब बनाइए आप योजना, अच्छा बोलने दो। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं, मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे, अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा, भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कह रहे हो, बाहर जाके कहो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप हो गए ऐसे। खैर थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं, अच्छी बात बोली। मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने, थोड़ा सा आपको भी बोलना चाहिए। अब क्या हुआ, वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा,
और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेम्युला ने पूछा उठाया, मेरी क्या गलती है, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है, यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? मेरी माताजी चेयरपर्सन सॉरी, मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों में ऐसे दबा देते हो। आपके मंत्री हाँ नहीं नहीं हमने नहीं दबाया, अभी मैं बोलता हूं आप सुनिए, देखो प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब, उसको आपने दबाया, लेट द मेंबर कंटिन्यू, और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बात यहां आपके मंत्री कहते हैं कि भाई वो दलित था नहीं था, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया, सवाल यही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ना उसकी मां को फोन लगाया, ना उसके बारे में बोला, एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने, फिर जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है, मैंने भाषण सुना, 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, उसको आप अरेस्ट करते हो। अगर जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा, अगर कानून के खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा, आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो, मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो। जेएनयू क्या है, जेएनयू क्या है?